मोगा में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली कुछ देर के बाद शुरू होगी और आप देख सकते हैं कि जिस ट्रैक्टर से राहुल गांधी जाएंगे वो ट्रैक्टर बिल्कुल तैयार है। साथ ही साथ उनके बैठने के लिए राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाएंगे। उनके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़, नवजोत सिंह सिद्धू के भी बैठने की चर्चा है और साथ ही साथ बाकी जो नेता जिनको भी यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी वो इस ट्रैक्टर पर बैठेंगे। और ये पूरा मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि जो ये ट्रैक्टर रैली है करीब 3,500 के आसपास ट्रैक्टर आज मोगा से चलकर संगरूर जाएंगे। आज का संगरूर है, 3 दिनों तक राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली करेंगे किसान बिल के विरोध में, यानी कि किसानों के समर्थन में ये रैली का फैसला करने का फैसला राहुल गांधी ने किया है। संसद के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था कि वो किसान बिल के विरोध में उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी और आप देख सकते हैं कि सभी लोग तैयार हैं, अपनी अपनी ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं, उन्हें इंतज़ार है राहुल गांधी का, कैप्टन अमरिंदर सिंह का। जैसे ही राहुल गांधी आएंगे इस ट्रैक्टर से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और फिर करीब 3 से 3,500 किसान पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ता वो जाएंगे और ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। हाँ जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं हम किसान हैं, जो नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार ने ये ऑर्डिनेंस किसानों के विरुद्ध लाया है ये बिल्कुल वापस लाना पड़ेगा। आज 20,000 ट्रैक्टर कुल हिंद कांग्रेस के प्रधान श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं, महाराजा मुख्यमंत्री साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, जाखड़ साहब, हरीश रावत जी, समूची मंत्रिमंडल, समूचा किसान। आज ये है जो बीजेपी सरकार ने ये ऑर्डिनेंस लाए हैं ये बिल्कुल मारू है और ये किसानों को मार देगा, इसको वापस लेना पड़ेगा मोदी सरकार को। यानी कि पंजाब में किसानों का गुस्सा इस बिल के विरोध में है और इसी को ध्यान में रखते हुए अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की चूंकि सरकार है, तीनों ही पार्टी इसका विरोध कर रही है। कैमरा पर्सन संजय राउल के साथ प्रमोद कुमार, न्यूज़ 24।